आई थिंक निकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इन टू नेटफ्लिक्स एंड ऑल. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ऑल्ट इज़ कमिंग इन आर नेशन एंड बालाजी इज़ इंट्रोड्यूसिंग इट. तो आई एम श्योर एक इट्स अगेन लाइक दैट मैजिक, जो एकता का मैजिक होता है वो क्रिएट होने वाला है. एंड प्लस जिस टाइप की सीरीज़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो जो रोमांटिक कह लीजिए या हार्ड रोमांस कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. मुझे लगता है वेब इज़ द फ्यूचर, जहाँ पर एक आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ बींग टोल्ड वॉट टू डू एंड सेंसर्स एंड ऑल दैट. एंड एंड एन ऑडियंस हैज़ अ चॉइस टू सी वॉट दे वॉन्ट टू सी. एंड समान लाइक एकता, जिन्हें आई थिंक शी हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ ऑडियंस, दैट्स द रीज़न वाई शी इज़ वेयर शी इज़. एंड हर शोज विल बी फैंटास्टिक एंड आई एम रियली एक्साइटेड लुकिंग एट अ फ्यू ऑफ देम. एंड वी आर हियर टू सपोर्ट हर एंड द कास्ट एंड लॉट ऑफ देम आर फ्रेंड्स. और यही आशा करते हैं कि चीज़ें और प्रोडक्टिव हों और बेहतर हो, ऑडियंस के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए भी. और अगर मैं पूछूं कि थिएटर में जाकर आप लोग फिल्में देखते हैं, 3 घंटे फिल्में देखने में बिलीव करते हैं, या वेब सीरीज इंटरनेट के माध्यम से सेलफोन पे अपने? नहीं देखिए, अगर वो मूवी है तो डेफिनेटली थिएटर में जाके जो आप मज़े से देख सकते हैं पॉपकॉर्न टब के साथ, वो घर में तो आप नहीं कर सकते. लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप कभी भी, वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन वॉच देम अपनी सहूलियत के हिसाब से. तो इनका और उनका कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली. बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि एक तो इसकी रीच मैक्सिमम है, प्लस आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, और जो कुछ आपको देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं. यू नॉट कंस्ट्रेन, मतलब एक बार आप हॉल में जाते हैं तो आपको वही देखना पड़ता है जो प्रोजेक्शन से वाइट स्क्रीन पे आ रहा है. बट यह तो यू हैव चॉइसेस, सो यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर एनीथिंग यू वांट टू, यू विश टू वॉच. आई थिंक वी वुड लव टू बी पार्ट ऑफ वेब सीरीज, लेकिन कैरेक्टर शुड कम बाय जो हमें अच्छा लगे. एंड आई थिंक द वन कैरेक्टर दैट वी कैन आइडेंटिफाई विद. एंड आई थिंक कोई एक्टर मीडियम से बड़ा नहीं होता, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, थिएटर हो, वेब हो. आई थिंक इट्स ग्रेट एज लॉन्ग एज यू गेट टू डू समथिंग यू लव. वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस सीरीज? वी आर वेरी एक्साइटेड, दैट्स व्हाई वी आर हियर. थैंक यू. Thank you.